वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आप में से किसी ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम किया था कि भाई यार दशहरे के ऊपर कुछ स्पेशल फीचर एडिटिंग ट्यूटोरियल लेकर आओ। तो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ आज आपके लिए एक और स्पेशल। तो गाइस, आपने वीडियो के थंबनेल में देखा, आज हम कुछ इस प्रकार से फीचर एडिटिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस, सबसे पहले तो आपको एक एप्लीकेशन का जरूरत पड़ने वाला है जिसका नाम है पिक्सआर्ट। तो अगर गाइस आपके पास मेरे वाला पिक्सआर्ट का प्रीमियम वर्जन नहीं है तो गाइस मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन दिया है, वहां पर जाकर आप मुझे डीएम करके मेरे वाला पिक्सआर्ट ले सकते हो। तो गाइस, पिक्सआर्ट ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली गाइस आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, आपको सिंपली यहाँ पर ऑल फोटो पे क्लिक करना है। तो गाइस, मैं यहाँ पर जितने भी पीएनजी और बैकग्राउंड यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है। देखिए गाइस, हमारा बैकग्राउंड आ चुका है। तो इसके बाद गाइस आपको अपने स्मार्टफोन का रोटेशन ऑन करना है और अपने मोबाइल को कुछ इस प्रकार से टेढ़ा कर लेना है, रोटेट कर लेना है, जिससे हमें इमेज एडिट करने में थोड़ी आसानी हो जाए। तो देखिए गाइस, अब आपको साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो इसमें से गाइस आपको यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर गाइस आपको एक बार क्लिक करना है और गाइस आपको एक राउंड का पीएनजी इमेज है वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस, इस इमेज को थोड़ा सा जूम करना है और कुछ इतना जूम कर लेना है, यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है इस साइड में। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से ऐड फोटो पे जाना है। तो गाइस आपको जैसा कि मेरी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आपको कुछ इस तरह से अपना पोज देकर पीएनजी इमेज शूट कर लेना है, पिक्चर शूट कर लेना है और गाइस उस पिक्चर का आपको यहाँ पर पीएनजी इमेज बना लेना है। तो अगर गाइस आपको अपना पीएनजी इमेज नहीं बनाना था तो गाइस मेरे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिलेगा, जिसे देखकर आप अपना क्लियर एचडी पीएनजी इमेज बना सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं अपना पीएनजी इमेज यहां पर ऐड कर देता हूं। देखिए गाइस, हमारे इमेज आ चुका है। तो इसको गाइस कुछ इस तरह से जूम करना है थोड़ा सा, और गाइस आपको यहां पर अच्छे से सेट कर लेना है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं गाइस, पिक्चर हमारा थोड़ा छोटा है। तो इतना जूम कर लेने के बाद गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा इधर और खिंचाना है, कुछ इस तरह से स्क्रीन थोड़ा सा यहाँ पर गैप रहेगा तो अच्छा लगेगा। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, फिर से गाइस आपको ऐड फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और गाइस अब आपको एक त्रिशूल का पीएनजी इमेज है वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस, आपको एक त्रिशूल का पीएनजी इमेज है और गाइस एक माला का रुद्राक्ष का भी इमेज है वो यहाँ पर, दोनों इमेज को आपको यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर अपने गले में यहाँ पर देखिए गर्दन में रुद्राक्ष को सेट करने वाले हैं। तो इसके लिए गाइस यहाँ पर देखिए आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और दोनों उंगली से कुछ इस तरह से पिक्चर को जूम कर लेना है ताकि हमारा यहाँ पर अच्छे से सेट हो जाए। तो फिर गाइस आपको कुछ इस तरह से इसको छोटा कर लेना है और यहाँ पर आपको अपने गले में कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है कुछ इस तरह से। तो गाइस यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट कर लेना है, अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो गाइस कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है और गाइस पिक्चर को थोड़ा छोटा भी कर लेना है। तो गाइस इसको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस पिक्चर को छोटा करना है और गाइस इस त्रिशूल वाले पिक्चर पर क्लिक करना है और इस पिक्चर को गाइस आपको कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है कुछ इतना, और फिर गाइस आपको यहाँ पर अपने हाथ में अच्छे से सेट कर लेना है। थोड़ा सा पिक्चर को हम थोड़ा जूम कर देते हैं, बड़ा कर लेते हैं। तो देखिए गाइस कुछ इतना यहाँ पर जूम करने के बाद यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है अपने हाथ के हिसाब से। तो गाइस इतना करने के बाद आपको यहाँ पर इरेजर का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर गाइस आपको एक बार क्लिक करना है और गाइस कुछ इस तरह से पिक्चर को जूम कर लेना है और गाइस अपने हाथ के ऊपर पिक्चर को थोड़ा सा हमको यहाँ पर रिमूव कर लेना है इजीली स्मूथ तरीके से। तो देखिए गाइस यहाँ पर रिस्टोर का भी ऑप्शन है, आप से कुछ ज़्यादा पिक्चर रिमूव हो जाए तो आप यहाँ पर रिस्टोर कर सकते हो। तो देखिए इसको आपको यहाँ से ध्यान से इरेज कर लेना है और फिर गाइस कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको भी थोड़ा सा आपको हल्का हल्का यहाँ पर इरेज कर देना है और गाइस राइट के निशान पर टिक कर देना है। इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस ऐड फोटो पे जाना है। तो देखिए गाइस आपको यहाँ पर एक शेडो का पीएनजी इमेज है वो यहाँ पर ऐड कर देना है और गाइस इस इमेज को आपको अपने पैरों के हिसाब से कुछ इस तरह से यहाँ पर छोटा करना है और गाइस अच्छे से सेट कर लेना है और गाइस इसका एक डुप्लीकेट पार्ट बना लेना है जो आपको इस पैर के आगे कुछ इस तरह से यहाँ पर सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और फिर से गाइस ऐड फोटो पे जाना है। तो गाइस अब आपको एक फायर का पीएनजी इमेज है जो पीछे आग लग रही है उसका पीएनजी इमेज है, तो वो ऐड कर लेना है और गाइस इस पिक्चर को कुछ इस तरह से जूम कर लेना है अपनी स्क्रीन के हिसाब से और गाइस आपको यहाँ पर ये लाइनिंग दिख रही है फर्श वाली, तो उसको आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है और फिर गाइस आपको यहाँ पर देखिए मूव डाउन का ऑप्शन मिलेगा, आप डबल लेयर ओपन करोगे तो आपको यहाँ पर मूव डाउन का ऑप्शन मिलेगा, तो इस पर गाइस आपको एक बार क्लिक कर देना है और गाइस आपको एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर टैप करना है। तो इतना करने के बाद गाइस यहाँ पर देखिए हमारे राउंड का पैर है तो कुछ यहाँ पर नीचे आ रहा है, तो इसको गाइस थोड़ा सा पिक्चर को ऊपर करना है कुछ इतना, यहाँ पर आपको पिक्चर को ऊपर कर देना है और फिर गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है।
इतना करने के बाद गाइस आपको फिर से ऐड फोटो पे जाना है। तो गाइस अब आपको एक जो शिवजी का 3 लाइन है वो उसका पीएनजी इमेज है, तो गाइस वो ऐड कर लेना है। और गाइस इस पिक्चर को कुछ इस तरह से छोटा करना है, और गाइस हमारे यहाँ पर माथे के ऊपर कुछ इस तरह से इसको सेट कर लेना है। तो गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है और दोनों उंगली से पिक्चर को जूम कर लेना है। तो अब गाइस आप यहाँ से इजी से इसको यहाँ पर सेट कर सकते हो। तो गाइस मैं यहाँ पर कुछ इतना कर लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। तो गाइस इसको यहाँ पर थोड़ा सा रोटेट भी कर लेते हैं हम, और फिर गाइस एक बार स्क्रीन पर टैप कर देना है। इतना करने बाद गाइस पिक्चर को पीछे छोटा करना है, और गाइस आपको फिर से ऐड फोटो के ऑप्शन पे जाना है। और गाइस आपको यहाँ पर कुछ बर्ड्स का पीएनजी इमेज है, एक नहीं गाइस 2 इमेज है, तो आपको इस दोनों पिक्चर को यहाँ पर ऐड कर लेना है। और गाइस इस पिक्चर को आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, कुछ यहाँ से छोटा करना है। और गाइस यहाँ पर लगना चाहिए कि यहाँ पर बर्ड्स है जो रियल में फ्लाई कर रहे हैं, तो इसको गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर गाइस इस बड़े वाले पिक्चर पे क्लिक करना है, एक ही बर्ड का पीएनजी इमेज है, तो गाइस इसको कुछ इस तरह से छोटा करना है। और गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, इसको कुछ इस तरह से रोटेट कर लेना है, और गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। इतना करने बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है। तो देखिए गाइस हमारा यहाँ पर ऐड फोटो का लिमिट है जो कंप्लीट हो चुका है। तो अब गाइस आपको यहाँ पर कुछ इतना यहाँ पर एडिट हो चुका है, तो यहाँ पर ज़्यादा ऐड फोटो का लिमिट है जो क्रॉस हो चुका है हमारा। तो गाइस आपको एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है, और फिर गाइस आपको फिर से ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। तो गाइस अब आपको यहाँ पर कुछ फायर्स का पीएनजी इमेज है, फायर स्पार्क्स का, तो वो यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो गाइस मैंने बता दिया है मैं यहाँ पर जितने भी पिक्चर का यूज करने वाला हूँ सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो यहाँ पर दोनों पिक्चर को ऐड कर लेना है। और गाइस सबसे पहले आपको इस पिक्चर को जूम करना है, कुछ इतना यहाँ पर फुल जूम कर लेना है, और इसको गाइस थोड़ा सा यहाँ पर रोटेट कर लेना है। और गाइस यहाँ पर आपको अपने पैरों के नीचे यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, और फिर गाइस आपको इस पिक्चर पर क्लिक करना है। और इसको गाइस हमारी पिक्चर है जो पीछे चली गई है, तो इसके लिए गाइस आपको यहाँ पर डबल लेयर का ऑप्शन मिल रहा है, तो इस पर गाइस क्लिक करना है। और इसको गाइस थोड़ा यहाँ पर मूव अप कर देना है, जिससे हमारा पिक्चर है ये ऊपर आ जाएगा। और गाइस इस पिक्चर को कुछ इस तरह से जूम करना है, यहाँ पर देखिए कुछ इतना जूम कर लेना है, और यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। इतना करने बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, और ब्लेंडिंग मोड भी देना है। और इसका गाइस यहाँ पर ब्लैक कलर रिमूव करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टिक कर देना है, जिससे हमारे इस पिक्चर का ब्लैक कलर रिमूव हो जाएगा। और फिर गाइस इस पिक्चर पे आपको क्लिक करना है, और इसका भी गाइस आपको यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड भी देना है, और इसको भी यहाँ पर स्क्रीन कर देना है। तो इतना करने बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, और फिर से गाइस ऐड फोटो के ऑप्शन पे चले जाना है। और गाइस अब आपको एक स्मोक का पीएनजी इमेज है, तो वो गाइस ऐड कर लेना है। और गाइस इस पिक्चर को कुछ इतना आपको यहाँ पर जूम करना है, और फिर गाइस यहाँ पर नीचे यहाँ पर डाउन में यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर गाइस आपको यहाँ पर देखिए फ्लिप रोटेट का ऑप्शन दिख रहा है, तो इस पर गाइस क्लिक करना है, और इसका गाइस रोटेशन है जो चेंज कर देना है, इस साइड में कर देना है। इतना करने बाद गाइस आपको नीचे स्क्रॉल करना है, ब्लेंडिंग मोड पे जाना है, और इसको गाइस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर टिक कर देना है। इतना करने बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है कहीं पर भी, और फिर से गाइस ऐड फोटो के अंदर चले जाना है। वो गाइस अब मेरे पास जो कंकाल होता है इंसान का, वो इसका पीएनजी इमेज है, तो वो गाइस ऐड कर लेना है आपको। और गाइस इसको कुछ इस तरह से छोटा करना है, गाइस यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है। और फिर गाइस इसका डुप्लीकेट पार्ट बना लेना है आपको, 2 डुप्लीकेट पार्ट और बना लेना है, जिससे हमारा ये 3 इमेज हो जाएगी। तो इसको गाइस आपको यहाँ पर अच्छे से सेट कर लेना है, थोड़ा थोड़ा गैप देकर कुछ इस प्रकार से। और फिर गाइस यहाँ पर इसको भी मूव डाउन कर देना है आपको, और गाइस सभी को आपको यहाँ पर क्लिक करके मूव डाउन कर देना है, जिससे हमारा पिक्चर है जो इसके पीछे चले जाएगा स्मोक के। तो गाइस इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार स्क्रीन पर टैप करना है, तो गाइस देख सकते हो हमारा पिक्चर एडिट हो चुका है। तो चले गाइस अब इसे यहाँ पर देखिए एक बार राइट के निशान पर टिक कर देते हैं, और फिर गाइस हमारा पिक्चर तो एडिट हो चुका है। तो चले गाइस इसमें थोड़ा यहाँ पर इफेक्ट ऐड करते हैं, हमारे पिक्चर को और थोड़ा यहाँ पर इम्प्रूव करते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको यहाँ पर FX के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो गाइस देख सकते हो मेरे इस पिक्सआर्ट प्रीमियम में सभी फिल्टर और इफेक्ट है जो बिल्कुल फ्री है, आप कोई सा भी यहाँ पर यूज कर सकते हो। तो चले गाइस मैं एक बार ये HDR वाला इफेक्ट है जो ऐड कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए हमारा इफेक्ट ऐड करने के बाद जो व्हाइट लाइनिंग आ रही है, तो इसको गाइस थोड़ा यहाँ पर रिमूव करने के लिए इसको यहाँ पर अनशार्प को थोड़ा सा इसको कम कर देना है कुछ इतना, और थोड़ा सा और कम कर देते हैं गाइस, ब्लर के बराबर में ले आते हैं। तो इतना करने के बाद गाइस आपको एक बार राइट के निशान पर टिक कर देना है। तो गाइस अब आप देख सकते हो हमारा पिक्चर कितना शानदार एडिट हो चुका है। तो चले गाइस अब इसे गैलरी में सेव करते हैं। तो इसके लिए गाइस सिंपली आपको यहाँ पर देखिए एरो का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर गाइस क्लिक करना है।
और यहाँ पर देखिए सेकंड वाला ऑप्शन मिल रहा है गैलरी का, तो इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है जिससे हमारा पिक्चर है जो गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, और गाइस जाने से पहले कमेंट बॉक्स जरूर बता के जाना आपको वीडियो कैसा लगा और आगे आपको किस वीडियो ट्यूटोरियल चाहिए भाई आपके लिए लेकर आएगा। तो चलिए गाइस मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद जय भारत, और गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना भी।